हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा, मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से मुझे बताइए। शाबाश जी, जल्दी से बता दीजिए। प्यारे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? हेलो मेरा बेटा, मेरी आवाज आ रही है? प्यारे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आए तो प्लीज मुझे बता दीजिए। ठीक है जी, जी चले, सही है। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास के अंदर, आपको याद होगा, वजीहा जावेद, आपको आवाज नहीं आ रही है, रुक रुक के आ रही है। हमने लास्ट क्लास के अंदर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था, सबको याद है? खुदा ना खास्ता प्रैक्टिस तो नहीं कर ली? यस सर, राहिम राहिम बहुत बोलेगा सर, आप कहा थे। ठीक है, आवाज कट रही है मेरी। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं, मैं थोड़ा रुक रुक के बोलता हूँ, उसको बोल देना कि हो सकता है दूसरा दे दे यार। ठीक, तो मैं पूरे तौर पे कोशिश करता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो, ताकि हम बासानी तरीके से इस अजियत से बाहर आ जाएं। बच्चों हमने ये बताइए, लास्ट क्लास में 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कराया था, जिसमें मोनोमियल बाइनोमियल याद आ रहा है कि लास्ट क्लास में पढ़ा के भेजा है? ठीक है, शाबाश। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसी तरीके से आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम डिग्री कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये देखिएगा सामने स्क्रीन, सबको सामने नजर आ रही होगी मुझे उम्मीद है, और आपकी तवज्जो भी सामने होगी। प्यारे बच्चों, जब सामने देखो, आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल्स। हमें डिग्री बतानी है, आखिरी क्वेश्चन है 4.1 का। मुझे उम्मीद है सबके सामने बुक होगी और सब बुक से मुस्तफीद हो रहे होंगे। जिनके पास अभी किताबें नहीं है, जिन्होंने अभी नहीं खरीदी हैं, तो उनके लिए देखो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ भी है। ठीक है मेरा बेटा, इधर देखिए, आपसे कह रहा फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल्स। आपको याद होगा जिस दिन मैंने डिग्री की तारीफ पढ़ाई थी, प्यारे बच्चों, उस दिन मैंने आपको एक बात बताई थी, डिग्री की एक तारीफ तो बता दी थी कि द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलीनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री मैक्सिमम पावर को कहते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने दूसरी डेफिनेशन नहीं बताई थी, वो मैंने आपको स्लाइड पर शो तो की है, लेक्चर में लिखी भी दिखाई तो है, लेकिन ना मैंने उसको पढ़ के बताया था, और प्यारे बच्चों ना ही मैंने उसको समझाने की कोशिश की थी। उसका इस्तेमाल अब आएगा, तो आप देखिएगा, ये जायके मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, नजर आ रहा होगा, डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ डिफरेंट बेसिस और मल्टीपल बेसिस आर मल्टीप्लाइंग। क्या मतलब है इस माजूर इंग्लिश का, अभी समझाने की कोशिश करते हैं। पहले पार्ट का जवाब दे लो बच्चों, इसकी डिग्री बतानी है। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है प्यारे बच्चों, इसके ऊपर एक्स के ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो बेटा 1 है, ठीक है, और यहाँ 2 है, तो इन दोनों में पूरी पॉलीनोमियल में देखें, इस पार्ट 1 में सबसे बड़ी पावर प्यारे बच्चों 2 है। सैयद राहत और सैयद राहिम अली ने सबसे पहले जवाब दिया है, माशाल्लाह, इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, डिग्री सबसे बड़ी पावर को कहते हैं। अब देखें, जब एक से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएं, एक्स आ जाए, वाई आ जाए, जेड आ जाए, व्हाटएवर कोई भी वेरिएबल आ जाए, तो फिर प्यारे बच्चों, फिर हम डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसके लिए तरीकाकार ये होता है, हम करते ये है, डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ डिफरेंट बेसिस आर मल्टीप्लाइंग। बहुत आसान सी पहचान बता रहा हूं, यहां मैं टाइप करके भी कहेंगे तो लिख देता हूं, ये देखें मैंने यहां लिखा, मैं लिख के भी दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। बेटे इधर देखो, यहां लिखा हुआ है 4 और यहां वेरिएबल y के ऊपर पावर क्या लिखी हुई है, 1। तो बच्चों ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंट बेसिस हैं, आपने इन डिफरेंट बेसिस को देखना है जो मल्टीप्लाई कर रही है। जुमला सुनिएगा, मल्टीप्लाई करना जरूरी है, जब मल्टीप्लाई कर रही होंगे तो बेटा फिर हम उनकी पावर को प्लस कर लेते हैं डिग्री कैलकुलेट करने के लिए।
और प्लस करके जो बड़ा जवाब आता है वही उसकी डिग्री होती है। समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको, फोर ये देखे मैंने लिखा प्लस और वन, ये फोर कहां से आया, मैंने एक्स की पावर देख के लिख दी, वाई के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो प्यारे बच्चों वन लिखा हुआ है, इज इक्वल टू बचपन में पढ़ा था जब फोर बे वन प्लस करते हैं तो प्यारे बच्चों खूबसूरत सा फाइव आता है। तो डिग्री की दूसरी तारीफ यह है कि जब पॉलिनोमियल में दो या दो से ज्यादा वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहे हों तो हम उनकी पावर को वर्बली जुबानी ओरली हम उन्हें प्लस कर लिया करते हैं। अभी तो इत्तफाक से सिर्फ यहाँ एक जगह पर एडिशन होती हुई नजर आई है, बाकी जगह कोई और वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तो लिहाजा जवाब सबसे बड़ा ये फाइव ही आ रहा है, ये टू और थ्री उससे छोटा है, तो लिहाजा डिग्री इसकी सबसे बड़ी क्या कहलाएगी, फाइव कहलाएगी। इसी तरह से अगला टर्म देखें, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि प्यारे बच्चों जब किसी भी रियल नंबर फाइव की पावर क्यूब लेंगे, फाइव को तीन दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा बेटा 125 आता है, 5 5 25 25 5 125। कोई भी नंबर हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा होता तो समझ लें कोई भी अपनी पसंद का वेरिएबल लिख सकते हैं उसके ऊपर पावर जीरो लगाकर। कोई बच्चा बताएगा पावर जीरो क्यों लगाई, क्योंकि कोई भी वेरिएबल हो चाहे वो एक्स की पावर जीरो हो, वाई की पावर जीरो हो, जेड की पावर जीरो हो, बेटा वो किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। तो इसलिए इस बात को आप सबने जहन में रखना है, कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी रियल नंबर हो, उसकी डिग्री याद रखो हमेशा जीरो होती है, क्योंकि उसके साथ कुछ नहीं लिखा तो एक्स की पावर जीरो है, वाई की पावर जीरो लिख लें, जेड की पावर जीरो लिख लें, अपने नाम का अल्फाबेट लिख लें उसके ऊपर पावर जीरो लिख लें, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी भी नंबर की डिग्री हमेशा जीरो होती है। यहां तक क्लियर है, कोई बच्चा ऐसा जिसको परेशानी हुई हो या मसला आ रहा हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं खुद से भी स्लो जाना चाह रहा हूं ताकि मेरी आवाज भी सही पहुंचे और किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलो बेटा इधर देखो, इस वाले सिचुएशन के अंदर देखें, पार्ट नंबर फोर में एक्स की पावर स्क्वायर है, वाई की पावर स्क्वायर है, प्लस वाई का स्क्वायर। मेरा बेटा जल्दी से देखो इधर, ये दोनों डिफरेंट बेसिस क्या कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है। तो बेटा डिग्री कैलकुलेट करते वक्त हम बेसिस सेम नहीं देखते, डिफरेंट बेसिस भी हो मल्टीप्लाई कर रही हो मेरा बेटा तो पावर को हम प्लस कर लिया करते हैं। 2 प्लस 2 कितना होगा, 4, और यहाँ 2 है, सबसे बड़ी पावर क्या बनी, 4, तो जवाब इसका डिग्री 4 कहलाएगी। मेरी बात आप तक पहुंच रही है, इसका आंसर 4 हो गया। प्यारे बच्चों पार्ट 5 का जवाब बता दो जरा जल्दी से, पार्ट 5 का कौन जवाब बताएगा, मैंने हटा दिया इसका आंसर ही मिटा दिया, वेरी गुड, सैयद राहिम अली ने, सैयदा मुनज्जा ने माशाल्लाह सबसे पहले आंसर दे दिया है, इसका जवाब 6 आएगा, वेरी गुड, जबरदस्त भाई, कमाल कर दिया, ठीक है। बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसकी डिग्री बताओ, शाबाश, इसका भी आंसर नजर नहीं आ रहा है, देखते हैं कौन बच्चा इसकी डिग्री बताएगा। 6 पार्ट का जवाब है 3, वेरी गुड, आयशा खान, सैयद राहिम अली, इन्होंने सबसे पहले जवाब दिया है। पार्ट नंबर 6 ये जो आपको सामने नजर आ रहा है, इसमें एक्स के ऊपर पावर कुछ नहीं लिखी तो 1 लिखी है, 1 में 2 प्लस करें स्क्वायर को तो क्यूब बन जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 सबसे बड़ी पावर बन जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये डिग्री कैलकुलेट करने का आसान तरीका, इस तरह की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ जाती है कोई एक आध बन के, ठीक है। इसका जवाब दे दें, लिखा वही नजर आ रहा है, मिटाने से फायदा नहीं है, सबने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी हटा दिया, बताए कोई बच्चा इसकी डिग्री क्या होगी भाई। हाँ भाई आप ऐसे कोई बच्चा आंसर दे सकता है इस पार्ट नंबर 7 का, शाबाश, पार्ट नंबर 7 का प्यारे बच्चों आंसर दो। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई मसला है, कोई परेशानी है तो जवाब दे सकते हैं, मसला आ रहा है पूछ सकते हैं। बच्चों एक और सवाल है, ये देखो, ये इसका भी ऑप्शन मैंने हटा दिया, इसका कोई जवाब देगा, पाई, पाई का, हाँ भाई पार्ट नंबर 8 का जवाब दे, वेरी गुड भाई, पाई कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू 22/7 होती है, 3.142 भी लिख सकते हैं, नंबर है, किसी भी नंबर की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है, वेरी गुड भाई, शाबाश, माशाल्लाह, समझ में आ रहा है। कोई बच्चा इसका जवाब दे दे जरा इसको ऐसे, हाँ भाई कौन जवाब देगा जी, इसका आंसर क्या होगा पार्ट नंबर 9 का, हाँ भाई प्यारे बच्चों 2 होगा, वेरी गुड भाई, 22 नहीं होगा, 2 होगा, 2, जबरदस्त, क्यों, क्योंकि ये क्यूब इंडेक्स क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा,
इज ए स्क्वायर माइनस बी बचेगा तो सबसे बड़ी पावर यहाँ टू और वन में टू आ रहा है, ठीक है। तो बहरहाल सब लोग समझ गए, मसला तो नहीं इसके अंदर। तो प्यारे बच्चों इसके साथ ही ये आपकी 4.1 कंप्लीट हुई, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, 4.1 कंप्लीट हो गई है। फिर भी कोई बच्चा किसी भी किस्म का परेशानी का शिकार है तो बिला झिझक डिस्कस कर सकते हैं। आइए मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूँ। हाँ भाई कुछ पूछना है जी? नहीं, चले आ जाओ बच्चों, एक नई एक्सरसाइज हमारी मुंतजिर है। खूबसूरत सी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.2। देखो बेटा, इसमें आपको जो बचपन में पढ़ा है आपने, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना है। डब्ल्यू आर टी ए का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू की स्पेलिंग नहीं आती, इसलिए हमने उसको डब्ल्यू आर टी लिखा है। With respect to A मतलब हमने यहाँ दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, फर्ज करें ये स्टेटमेंट ना लिखा जाता और खाली ये कह दिया जाए कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, तो आप फौरन सवाल करेंगे कि सर यहाँ पर तो A और Y आ रहा है, हम किसके लिहाज से अरेंज करें। तो प्यारे बच्चों इस बात को जहन में रखिएगा कि जब यहाँ पर दो डिफरेंट वेरिएबल होते हैं तो एग्जामिनर खुद बता देगा A के लिहाज से अरेंज करो। विद रिस्पेक्ट टू A मतलब A के लिहाज से अरेंज कीजिए, A को प्रियोरिटी देनी है। दूसरा विद रिस्पेक्ट टू वाई कह दे तो वाई के लिहाज से प्रियोरिटी देनी है। समझ गए बात को? तो बेटा विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब है, वेरी गुड सैयद राहत ने इसका माशाल्लाह आंसर भी टाइप करके भेज दिया, वेरी गुड बेटा, सुपर एक्सलेंट, जबरदस्त भाई। तो बेटा खुशी होती है कि माशाल्लाह आप लोग सही आंसर भेज रहे हो, बाजे बच्चे तो माशाल्लाह टाइप करके सही आंसर भेज रहे हैं, वेरी गुड बेटा, बहुत खुशी हुई सैयदा राहत, सुपर एक्सलेंट मेरा बेटा। और ठीक है वेरी, हाँ सैयद राहिम अली आपने भी बात बिल्कुल कमाल की कही है, लेकिन इसको देखकर भी टाइप करना कोई आसान बात नहीं है, मैथ्स को टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बनिस्बत उर्दू और इंग्लिश की टाइपिंग के मुकाबले में। तो बहरहाल सही, आपने सही बात कही है, लेकिन एप्रिसिएशन तो हक बनता है। जो बच्चे जवाब दे रहे हैं यकीन वो समझ के ही दे रहे होंगे, आप भी माशाल्लाह जवाब देते हैं, बाकी काफी बच्चे माशाल्लाह कोऑपरेट करते हैं। ठीक है वेरी गुड, चलें भाई बच्चों आप देखें इधर, राइट दी फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन असेंडिंग ऑर्डर। याद रखो प्यारे बच्चों असेंडिंग का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। जहाज अगर उड़ना शुरू कर रहा है तो हम कहेंगे वो असेंडिंग की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना। डिसेंड का मतलब उल्टा कह लें, ऊपर से नीचे की तरफ आना, ठीक है। प्यारे बच्चों इसमें देखिएगा ए की पावर क्यूब है, यहाँ ए की पावर कुछ नहीं लिखा तो वन है, ए की पावर स्क्वायर है। तो बेटा इस बात को जहन में बिठा लीजिए, मैं दोबारा बात बताता चलूं, हमने इसको ए के लिहाज से अरेंज करना है। असेंडिंग का मतलब है ए की सबसे छोटी पावर पहले लिखी जाएगी, फिर उससे बड़ी पावर, फिर उससे बड़ी पावर। तो शाबाश इन तीनों टर्म में ढूंढिए सबसे छोटी पावर कौन सी है, ए की पावर वन। तो बेटा ये टर्म पहले लिखोगे फिर ए की पावर स्क्वायर। हेलो सॉरी बेटा, ये नेट डिस्कनेक्ट हो गया था जिसकी वजह से जहमत उठाना पड़ी जी। अब मेरी आवाज आ रही है? ओके चलें, हम बात कर रहे थे प्यारे बच्चों ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर की। तो बेटा इसमें देखिएगा जरा, आपको पहले पार्ट का जवाब नजर आ गया, पार्ट सेकंड पार्ट पे आ जाएं। अच्छा प्यारे बच्चों देखो, सेकंड पार्ट के अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो 3x² है यहाँ, सेकंड इधर तो ए है, इधर भी ए है, इधर भी, जहां ए नहीं है मैंने जैसे नंबर के लिए बताया है कि किसी भी नंबर के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो उसके साथ क्या लिखा हुआ है कि वो वेरिएबल की पावर जीरो होती है, तो यहाँ ए नहीं है। तो हम अपनी आसानी के लिए चाहें तो यहाँ पर याद रखना मेरा बेटा, हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, पाई इक्वेशन हम इंसर्ट कर रहे हैं। इधर देखिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग फोकस करेंगे। ठीक है तो इधर देखो बेटा, हम चाहें आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ, आपको जरूरत नहीं होगी लिखने की, चाहे तो कॉपी पे जब ये लेक्चर रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिले तो आप इसको लिख सकते हैं। ये देखें ऐसे,
तो आप देखें जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो इट्स मीन के 3x² को पहले लिखना होगा। देखो मेरा बच्चा, मैंने यहाँ लिखा 3x², फिर इससे बड़ी पावर a की पावर 1 आ गई, फिर 4 और स्क्वायर में a² आएगा पहले और सबसे बड़ी पावर आखिर पे आएगी। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे छोटी पावर से आपने बड़ी पावर की तरफ मूव करना है। a को तरजीह देनी है क्योंकि क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बॉन्ड किया है, आप a के लिहाज से अरेंज करेंगे। ठीक है, चलो इसमें कोई मसला समझ में आया? कोई बच्चा ऐसा जो परेशानी का शिकार हो, किसी भी किस्म की कोई मसला हो तो बिलझक मेरा बेटा डिस्कस कर लेना। ठीक है, चलो एक और पार्ट देखते हैं, तीसरा पार्ट। प्यारे बच्चों इसके अंदर देखो जरा, यहाँ पर भी देखें, मैं फिर वही अर्ज करूंगा, यहाँ कुछ नहीं है तो एक ही पावर क्या होगी? अब आप में से कोई बच्चा टाइप करके जल्दी से जवाब दे दे जी, यहाँ एक ही पावर क्या होगी तीसरे पार्ट में जो मैंने हाईलाइट किया है? जी जीरो होगी, वेरी गुड, माशाल्लाह भाई, शाबाश, आप लोगों ने सही जवाब दिया है माशाल्लाह से। ए जीरो होगी, वन नहीं होगी बेटा, मोहम्मद रियाज, वन नहीं होगी बेटा, जीरो होगी। जब ए बिल्कुल लिखा हुआ नजर ही नहीं आ रहा तो ए की पावर जीरो है, जब ए लिखा हुआ है तो उसके टिंट पे कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा तो जीरो होगी। ठीक है, चले तो असेंडिंग ऑर्डर में मेरे ख्याल में ये आंसर समझ में आ गया होगा। क्या कहते हैं भाई आप लोग, समझ में आ भी रहा है? किसी को परेशानी तो नहीं है? मैं अकेले मॉनिटर के सामने बड़बड़ा तो नहीं रहा अकेले बैठ के? आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है जी, अगला पार्ट देख लो भाई, पार्ट नंबर 4 प्यारे बच्चों। इसमें भी देखिए, यहाँ पर भी इसको असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करने बैठोगे तो प्यारे बच्चों प्यारा सा सवाल है, आपको नजर आ रहा होगा 2-2 के साथ कुछ ए नहीं है तो क्या है? ए की पावर जीरो है, तो इसका मतलब है जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने बैठूंगा तो पहले 2 को लिखूंगा, फिर किसको लिखेंगे? ए की पावर 1 है ये लिख लेंगे, फिर क्यूब है, 5 है, 6 बचा तो छोटी पावर कौन सी है? क्यूब वाली आ जाएगी, फिर पावर 5 वाली टर्म लिख दी और फिर 4 वाली पहले आएगी और 5 वाली बाद में आएगी। हम्माद खान बेटा क्या नहीं समझ में आया बताओ, मैं दोबारा बता दूं? जी शाबाश बेटा, ये हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना सीख रहे हैं। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखा जाता है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का असेंडिंग वाला मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा। देख लें ये वाला सवाल देख लें आप, पार्ट नंबर 5 देखें, इसमें बता रहा हूँ सबसे छोटी पावर पहले लिखी जाती है, हमें ए के लिहाज से अरेंज करना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा, इधर देख लें, यहाँ ए की पावर कुछ नहीं है तो ए की ए लिखा हुआ है, ए के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो क्या पावर 1 है? यहाँ पावर 4 है, यहाँ ए नहीं है, शाबाश, मुझे बताओ ए की पावर क्या होगी? सब लोग बता दें ए की पावर क्या लिखूं यहाँ पर? 0 होगी ना, वेरी गुड, ए की पावर 0 होगी और यहाँ ए की पावर स्क्वायर है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे छोटी पावर पहले लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी पावर। मेरी बात आप समझे आप? तो बेटे इधर देखो जरा गौर से देखो, मैंने सबसे पहले क्या लिखना है? 1/3 AXYZ पहले लिख लिया क्योंकि इसके साथ a नहीं है। अब समझ में आ गया, a की पावर 1 आ गई, फिर a की उससे बड़ी पावर स्क्वायर है, फिर उससे बड़ी पावर सवाल में 4 आ रही है, अगर उससे बड़ी पावर भी आती तो वो अब मैं बाद में लिखता मेरा बेटा। क्लियर हो गया, अब समझ में आ गया जी? तो प्यारे बच्चों ये आपका असेंडिंग ऑर्डर की प्रैक्टिस हो गई है, आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना सीख लिया है। तो जब भी किसी एक्सप्रेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है तो सबसे छोटी पावर पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद बड़ी पावर, उससे बड़ी पावर। राहिम आप क्या कह रहे हैं? ए के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो 1 होता है, किसी भी वेरिएबल पर किसी भी टर्म पे कुछ नहीं लिखा तो उसकी पावर क्या होती है? 1 होती है और वो लिखा नहीं जाता, नहीं 0 नहीं होता, 0 जब होगा जब वो नंबर वेरिएबल लिखा हुआ नजर ही नहीं आएगा। यहाँ देखें XYZ में a लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा तो यहाँ a की पावर 0 होगी, जहां a लिखा हुआ नजर आ रहा है उसके ऊपर पावर 1 होगी। सही है, ठीक है, चलो प्यारे बच्चों इसके बरक्स हम एक और चीज करने जा रहे हैं, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना सीखेंगे। डिसेंड का मतलब होता है अपर से लोअर की तरफ आना, बड़ी पावर से छोटे की तरफ आना। तो मेरे ख्याल में जिस तरह से आप ये समझे हैं बिल्कुल यही काम करना है, उल्टा करना है। पहले हम छोटी पावर छाट के पहले लिखते थे, फिर उससे बड़ी पावर, फिर उससे बड़ी पावर। अब बेटा आप उल्टा करेंगे, अब हम बड़ी पावर को पहले लिखेंगे। शाबाश प्यारे बच्चों, जरा देखो इधर, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर इन द गिवन विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल। ये ख्याल रखिएगा गिवन वेरिएबल से मुराद
पिछले सवाल में आपको स्पेसिफाई किया था, निशानदही कर दी थी कि ए के लिहाज से अरेंज करो। अब आपको ये कह रहा है कि सवाल में जो वेरिएबल नजर आ रहा है उसके लिहाज से अरेंज करो। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि क्वेश्चन नंबर टू के जितने भी पार्ट है ना प्यारे बच्चों, उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं है हर सवाल में, समझ गए। अगर एक्स आ रहा है तो हर जगह एक्स होगा, वाई आ रहा है तो वाई आ रहा है, मिक्स्ड वेरिएबल नहीं दे रहा, जबकि उसने ऊपर इंग्लिश में बता दिया है कि इंडिकेटेड वेरिएबल के लिहाज से अरेंज करो। तो अब यहाँ एक्स आ रहा है तो एक्स के लिहाज से अरेंज कर दूंगा, अगले पार्ट में अगर जेड आ रहा है तो मैं जेड के लिहाज से, वाई आ रहा है तो वाई के लिहाज से अरेंज कर लेंगे। सही है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो बेटा आप सब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे बड़ी पावर ढूंढो किधर है, ये रही एक्स की पावर क्यूब को ये प्लेस कर दिया, इससे छोटी पावर क्या होती है स्क्वायर, ये लिख दिया, फिर से छोटी पावर एक्स की पावर वन। अब सुन लें सब बच्चे, जहां एक्स लिखा हुआ नहीं है वहां एक्स की पावर क्या होगी, दोबारा टाइप करके बता दे ताकि ये बात जहन में बैठ जाए, जीरो, वेरी गुड। तो बेटा एक्स की पावर जीरो यानी कॉन्स्टेंट नंबर को बाद में लिखा जाएगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ पावर आ रही है, कमी की तरफ जा रही है, रिड्यूस हो रहा है वेरिएबल हमारा, क्लियर है। ये इसका खूबसूरत तरीन आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट वन था। प्यारे बच्चों देखो खूबसूरत तरीन एक और सवाल आपकी खिदमत में पेश करने की जरूरत कर रहा हूं, सेकेंड पार्ट, वाई माइनस वाई फोर वाई स्क्वायर माइनस सेवन प्लस वाई क्यूब माइनस फाइव वाई फाइव। तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ी पावर ढूंढो किधर है, ये रखी हुई वाई की पावर फाइव, ये लिख दिया, इससे छोटी पावर इस सवाल में कौन सी है, वाई क्यूब है, उससे छोटी पावर स्क्वायर है, फिर वन है, सेवन के साथ कुछ नहीं लिखा तो वाई की टिंड पे क्या लिखा है, जीरो लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा, समझ में आ भी रहा है या मैं अकेले मॉनिटर के सामने बड़बड़ाई जा रहा हूँ, अकेले अपने आपको समझाने की एक नाकाम कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो प्यारे बच्चों एक और सवाल आपका मुंतजिर है, आप शक्लें डरोनी होती जाएंगी लेकिन काम यही करना है, बड़ी पावर को ढूंढ के पहले लिख रहा है, फ्रैक्शन में टर्म आ जाए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों इधर देखो, यहाँ सबसे बड़ी वेरिएबल की पावर क्या नजर आ रही है, टी की पावर सिक्स, देखो ये लिख दिया, टी की पावर क्यूब ये लिख दिया, टी की पावर वन मेरा बेटा ये लिख दिया, थ्री अपॉन फोर को आखिर में लिख दिया। इसके साथ फिर वही बात पूछूंगा, बार बार पूछ रहा हूँ ताकि नफरत हो जाए, मुझसे तो नफरत हो ही जाएगी आपको, लेकिन आपको इस सवाल इस जुमले से भी नफरत हो जाए, थ्री अपॉन फोर इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो वेरिएबल की पावर क्या है, जीरो है, तो बेटा ये आखिर में लिखा। ये समझ में आया सब बच्चों को, कोई बच्चा सही है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो भाई शाबाश, देखो बेटा शक्लें ड्रोनी होती जा रही हैं लेकिन मेरा बेटा काम वही है, देखो वाई की पावर फोर है, इसका मैं आंसर छुपा रहा हूँ, शुक्रिया जजाकल्ला। तो अब अगर आप इधर देखें तो आपको समझ में आएगा कि वाई की पावर आप कैसे लिखूं, एक बात वजाहत कर रहा हूँ, आंसर मैंने खुद से हाइड किया है, छुपा दिया है, अभी मैं बताता हूँ इसका वजह बताता हूँ। प्यारे बच्चों याद रखना, पहले एक चीज की वजाहत करना चाहूंगा कि जो टर्म डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी नजर आती है याद रखो वो टर्म उतनी ही छोटी होती है। बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ समझाने के लिए, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है फोर अपॉन वाई स्क्वायर और नाइन अपॉन वाई फोर, खाली मैं इन दोनों के बारे में पूछ रहा हूँ, भूल जाइए अभी सबको, सिर्फ इन दोनों के बारे में पूछ रहा हूँ। तो इनमें बड़ी पावर कौन सी है, कोई बताएगा, वाई फोर वाई स्क्वायर बड़ा है वाई फोर बड़ा है, तो याद रखो बेटा वाई स्क्वायर, वेरी गुड, जैनब परवीन ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, शाबाश मेरा बेटा। जो टर्म डिनोमिनेटर में जितनी छोटी नजर आती है वो टर्म उतनी बड़ी होती है, ये जुमला जब भी मैंने आंसर छुपाया है मिक्स हो जाता है, मुश्किल हो जाती है, ये बात दिमाग में बिठा लो। जो टर्म डिनोमिनेटर के अंदर फ्रैक्शन में, जब डिनोमिनेटर वाली नीचे वाली टर्म को कहते हैं, डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी टर्म नजर आएगी बेटा वो टर्म उतनी छोटी होती है, याद रखना। तो वाई की पावर फोर वाई स्क्वायर से छोटा है, इसको क्लियर कर लीजिएगा, जब नीचे से इसको ऊपर लेके आएंगे तो वाई की पावर माइनस टू बन जाएगा, जब इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लाएंगे वाई की पावर फोर को तो माइनस फोर बन जाएगा, तो माइनस टू बड़ा होता है माइनस फोर से, इस बात को मेरा बेटा आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह मेरा बेटा ये वाई क्यूब भी नजर आ रहा होगा, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लाओगे तो वाई की पावर माइनस थ्री हो जाएगा। तो अब मेरे ख्याल में आप इसका जवाब दे सकते हैं, और माशाल्लाह सैयद राहत कमाल की टाइपिंग करके भेज रही है, जबरदस्त मेरा बेटा, वेरी गुड, कमाल कर दिया भाई, अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे अपने लेक्चर की स्लाइड बनवा लेता, शाबाश जबरदस्त टाइपिंग है भाई, वेरी गुड भाई। वाई फोर प्लस फोर वाई प्लस सिक्सटीन, देखो मेरा बेटा हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें अरेंज किया हुआ है, सामने देख लें, इसमें किसी बच्चे को कोई शिकायतें थे खुदा ना खास्ता तो डिस्कस कर सकते हैं, वेलकम मेरा बेटा। बच्चों इधर देखो शाबाश, मुझे इसका कोई बच्चा जवाब दे, किसी बच्चे को इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं रह गई,
ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सही अरेंज किया, वाई फोर पहले लिखा, क्वेश्चन में तो टर्म डिस्पर्जन देगा बेटा, डिस्पर्जन फॉर्म में देगा, क्वेश्चन में तो कुछ वो वाई क्यूब सबसे पहले लिख देता, टेंशन थोड़ी थी फ्रैक्शन में, हमें इसको अरेंज करना है मेरा बेटा। पार्ट फोर में दोबारा बता दे रहा हूं, फराज सुन लीजिए और बच्चे भी सुन लें जिनको मसला आ रहा है मेरा बेटा। एक मिनट रह गया इसी आईडी से बच्चों, ये जूम की मीटिंग का पता है ये 40 मिनट बाद खत्म होती है, तो अब ये एक मिनट रह गया, ये हमारा खत्म हो जाएगी मीटिंग, तो मैं दोबारा कनेक्ट करिएगा इसी लिंक से, ठीक है, दोबारा लिंक इसी लिंक से कनेक्ट होना है आप लोगों ने, ये ध्यान में रखिएगा, एक मिनट रह गया है, लेक्चर किसी वक्त भी खत्म हो जाएगा, कल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो मैं आपको दोबारा मेरी आवाज आ रही है बच्चों, मेरी आवाज आ रही है, अच्छा, और ये जो बच्चे लाइन लगा रहे हैं स्क्रीन पे, बेटा बहुत बुरी बात है, अगर ऐसा करोगे तो बेटा फिर मजबूरन मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा, और आपको पता होना चाहिए नाम भी आ जाता है इस पे ना, तो ऐसा ना कीजिए बराए मेहरबानी, क्लास लेने बैठे हैं ऐसा नहीं कीजिए, बुरी बात होती है बच्चों। चैट बॉक्स खोल दो, चैट बॉक्स, हाँ ठीक है, चलें तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीख रहे थे, मेरी आवाज आ रही है एक दफा और बता दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी जी, मेरी आवाज आई ठीक है, तो टेस्ट का सिलेबस यही है, चैप्टर टू जो पढ़ाया है उसका टेस्ट होगा, चैप्टर टू का टेस्ट होगा, पहले ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, टेस्ट का सिलेबस भी सुन लीजिए, किसी बच्चे ने पूछा है अच्छी अच्छा सवाल है, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि टेस्ट जो होगा आपका चैप्टर नंबर टू का होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है 2.1 से लेकर 2.8 तक, उसकी प्रैक्टिस कीजिए मैट्रिक वाले, ठीक है, उनका टेस्ट होगा। चले चलो भाई बच्चों, ये मैं डिसेंडिंग ऑर्डर बता रहा था, मेरे ख्याल में समझ में आ गया सबको, इसमें पूछना तो नहीं किसी ने, पार्ट नंबर 6 से मैं आगे चला जाऊं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसमें बहुत से पार्ट्स हैं बच्चों, कई पार्ट हैं, आप लोगों ने सारे पार्ट कर लेने हैं, सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो मुझे जो लग रहा था कि हाँ ये फ्रैक्शन वाले मसला करेंगे, तो मेरा बेटा मैंने वो कर दिया, ये कर दिया, तो आप लोग करिएगा, जो पार्ट आपसे नहीं हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं यहीं टाइप करके उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको, उसी वक्त इंशाल्लाह बता दूंगा, औरों को भी भला हो जाएगा, जिस बच्चे से जो ना हो रहा मुझे बता दे। तो अभी मैंने रैंडमली क्वेश्चन कर दिए हैं, तीसरे पार्ट के बाद मैंने छठा पार्ट कराया है, यकीनन आप लोग हो सकता है परेशान हो, 4 नहीं कराया, 5 नहीं कराया, तो वो आसान सवाल आते हैं, फिर मैंने पार्ट 6 करा दिया, पार्ट 6 के बाद देखिए पार्ट 10 कराया है, पार्ट नंबर 10 में भी देख लें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे, सबसे बड़ी पावर क्या है, 4x4 है, x4 वाली टर्म पहले लिख लेंगे, फिर इसके बाद इस बड़ी पावर कौन सी है, स्क्वायर है बेटा, देखो ये लिखा सही है, ठीक है, अभी कहां से छुट्टी, अभी पूरा आधा घंटा बाकी है, ठीक है, चलो 4x स्क्वायर, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों 9 के साथ कोई पावर नहीं है, जल्दी बताए कोई बच्चा, शाबाश असरा आप बताइए, 0, वेरी गुड, सही है राहिम अली ने, वेरी गुड, बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है, बहुत जल्दी जवाब दिया राहिम, वेरी गुड मेरा बेटा, शाबाश, तो 9, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर और एक्स फोर में पहले कौन आना चाहिए, एक्स स्क्वायर बड़ा है, एक्स फोर छोटा है, ठीक है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश। तो प्यारे बच्चों ये प्यारा सा आंसर हो गया, ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना सीख लिया, तो मेरे ख्याल में ये बात समझ में आ गई होगी, कोई बच्चा ऐसा जो जिसको प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, हाँ तो मुझे मैसेज करके बता दीजिए अगर मसला आ रहा है, तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको प्रॉब्लम आ रही है और मैं अकेला समझे जा रहा हूँ, तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ जी, चलें। तो ये इस तरह से मैंने इसको कितने पार्ट करें इसके, देखिएगा, देखिए 1, 2, 3 और 4, 5, तो 5 मैंने कर दिए हैं, 5-6 आप लोग और कर लीजिए घर में,
प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा कौन सा पार्ट नहीं हो रहा, तो मैं उसी इसी वक्त यही सोल्यूशन उसका टाइप करके भेज दूंगा, बता दूंगा। लेक्चर के दौरान बताएंगे तो मैं लेक्चर के दौरान कर दूंगा, लेकिन कल तक का वक्त है अभी, आप घर में कोशिश करें। ठीक है, वेरी गुड आयशा खान, आपने सारे कर लिए सवाल, वेरी गुड भाई, माशाल्लाह। कुछ बच्चों ने पहले से कैसे कर लिया आप लोगों ने, है पढ़ाई आज है, मैंने इससे पहले घर में कर लिए थे ये सवाल, शाबाश, चलो अच्छी बात है। चलो भाई बच्चों, ये 4.2 थी, 4.1 पहले कंप्लीट करा लीजिए, पिछली लास्ट वीक में पढ़ाई थी, उसका एक सवाल ले गया था जो अभी मैंने पढ़ाया आपको। फिर उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर 4.2 के अंदर है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर 4.2 के अंदर है जो अभी मैंने आपको पढ़ाई है। इसके रिमेनिंग पार्ट मैं आपको फिर कह रहा हूँ आप लोगों ने करने हैं, किसी बच्चे से ना हो तो बदवाई ना दीजिएगा कि 4-5 कराए और बाकी हमें होमवर्क दे दिए, जब आप करेंगे तो माशाल्लाह आप चीजें सीखेंगे भी। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ भाई, एक्सरसाइज नंबर 4.3 आपकी मुंतजिर है। एक और एक्सरसाइज इसकी शुरू करने जा रहे हैं, बड़ी खूबसूरत एक्सरसाइज है इसकी 4.3। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपको लिखा हुआ नजर आ गया होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। प्यारे बच्चों हमें इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। पार्ट वन में देखो प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ के बताओ। 2x² - 3yz की हमने वैल्यू निकाली है। ठीक है आपने पढ़ा हुआ है, वेरी गुड, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ होगा। मैंने शायद पहले दिन जब क्लास ली थी तो उस दिन भी डिस्कस किया था। ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में ऐसा होता है कि वो मैट्रिक 9th में तो अब मैथ्स आई है, लेकिन मैट्रिक क्लास के अंदर ऐसा वो की किताब वो 9th में थोड़ी बहुत पढ़ा दिया करते थे, तो इसलिए उन बच्चों को काफी हद तक क्लियर चीजें और हो जाती हैं। जब वो 8th में पढ़ लेते हैं तो मैट्रिक में दोबारा पढ़ते हैं तो और आसानी हो जाती है। ठीक है, लेकिन वो हर स्कूल में ऐसा नहीं होता, तो हर बच्चे ने नहीं पढ़ा हुआ होगा, लेकिन हमारा हमें तो जाहिर बात है पढ़ाना है सारा, तो इसलिए मेरा बेटा मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। अच्छा है आपका रिवीजन हो जा रहा है, ठीक है, तो अच्छे से करिए और मुझे टेस्ट अच्छा मिलना चाहिए, तो जो टेस्ट मैंने अभी अनाउंस किया है तो वो मैट्रिक के बच्चे मुझे टेस्ट जरूर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चैप्टर 2 का टेस्ट है, भरपूर तैयारी कीजिए, अकड़ बकड़ बम्बे वो भी खेलेंगे आप टेस्ट में, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देंगे इंशाल्लाह। ठीक है प्यारे बच्चों, 4.3 के अंदर देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग में आपसे कह रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालें, तो बच्चों कैसे वैल्यू निकालेंगे जरा देखिएगा। वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, 2x² - 3yz की वैल्यू निकालनी है। व्हेन x इज इक्वल टू 2, प्यारे बच्चों x की वैल्यू आपको 2 दी हुई है और y की वैल्यू -1 दी हुई है और z की वैल्यू 3 दी हुई है, तो बेटा बहुत आसान है, सिर्फ इसके अंदर आपने वैल्यू रखनी है। x की जगह देखिए मैंने x की वैल्यू रख दी, x कितना है प्यारे बच्चों 2 है, तो x की जगह हमने 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, -3, y की जगह बेटा क्या रखूंगा -1 है, -1 रख दिया, z की जगह प्यारे बच्चों 3 है, बस जो वेरिएबल की वैल्यू गिवन है उसमें रखने के बाद आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इधर देखो, अब आपको सिंप्लीफिकेशन आती है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर सिंप्लीफाई का वर्ड सुना था, और जिन बच्चों ने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा हुआ वो परेशान ना हो, ये कॉमन कैलकुलेशन है, आपने ये बचपन में भी पढ़ी है, दोबारा बता रहा हूँ। जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये पावर 2 पर अप्लाई हो जाएगी, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4 होता है। प्यारे बच्चों ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, याद रखिएगा जब टर्म्स मल्टीप्लाई करती हैं, जब टर्म्स मल्टीप्लाई करती हैं, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो या 50 टर्म हो, तो याद रखिएगा साइन मल्टीप्लिकेशन भी होती है, टर्म मल्टीप्लिकेशन के साथ साइन मल्टीप्लिकेशन का भी ख्याल रखना होता है। तो पहले साइन का फैसला कर ले ताकि मिस्टेक ना हो, साइन की माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस और सॉरी माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 हो जाएगा, तो लिहाजा 3 1 3 3 3 9। बच्चों बचपन में पढ़ा था 2 4 कितने होते थे, कोई बच्चा बताएगा, खुदा ना खासा 2 का टेबल याद तो नहीं है, याद है भाई माशाल्लाह शाबाश, तो 2 4 बच्चों कितना होता है 8 होता है, तो बच्चों 2 4 8 8 8 + 9 बच्चों प्यारा सा आंसर आ गया, ये खूबसूरत तरीन आंसर 17 आ गया। समझ में आया, कोई ऐसा बच्चा जिसको प्रॉब्लम आ रही हो या वो स्क्रीन के सामने बैठ के बदवाएं दे रहा हो, किसी को परेशानी तो नहीं हो रही है, ठीक है जी। चले एक और क्वेश्चन आपका मुंतजिर,
देखो बेटा, एक प्यारा सा सवाल आपकी खिदमत में पेश करने की जरूरत कर रहा हूँ। ये देखिएगा, सामने क्वेश्चन है आपके। प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी आपको इसकी वैल्यू निकालने को कहा है। 2x4 2 x 4 3 x 3 + 4 x 2 x² - 2x + 3। वैन x इज इक्वल टू 3। बच्चों, ये x की वैल्यू इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दें, जहाँ जहाँ x आ रहा है। देखिए, मैंने इसके इक्वल लिखाया, और प्यारे बच्चों, जहाँ जहाँ x आ रहा था सब जगह वैल्यू रख दी है। मेरे ख्याल में इसमें मसला तो नहीं होगा। अब सिर्फ यहाँ पर पावर अप्लाई करनी है, जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो करनी है, जो प्लस हो माइनस हो बेटा उनको करना है, और उसके बाद एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लाना है। देखो बच्चों, 3 का पावर 4 का मतलब है 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, 81 टू द कितने होते हैं बच्चों, 162। परचून की दुकान वाला कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, आप उसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बच्चों के पास जदीद तरीन साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोर्ड में अलाउ नहीं होता, सिन बोर्ड में। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 27। बच्चों, 3 का स्क्वायर करें तो ये 9 आ गया, और 2 × 3 = 6 बचपन में पढ़े थे आपने, और 3 बेचारा ऐसे ही रहा, इससे कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बेचारे से। जी, सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है, बोर्ड के पेपर में सिंपल कैलकुलेटर अलाउ है। बहरहाल, ये 2 को 81 से मल्टीप्लाई करें 162 आ जाएगा, 3 को 27 से माइनस प्लस माइनस, ख्याल कीजिएगा साइन मल्टीप्लिकेशन का, प्लस 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 होता है। अच्छा बेटा, मैंने एक काम किया है, -6 + 3, जब भी दो अपोजिट साइन के साथ टर्म प्लस हो रही हो तो माइनस कर लिया करो, बड़े नंबर का साइन लगा दो। -6 + 3 कितना आंसर आएगा, -3 आएगा। बस प्यारे बच्चों, मैंने एक काम किया है, इससे आप मुत्तफिक हो ना हो, अगर आपको और कोई तरीके से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, ये जो प्लस के साइन के साथ टर्म आ रही है उन्हें जमा कर लिया। 162 + 36 कितने होते हैं, 198। माइनस का 81, माइनस का 3। याद रखो, जब टर्म सेम साइन के साथ होती हैं तो चाहे वो प्लस के साथ हो माइनस के साथ, उन्हें जमा कर लिया करें, साइन वो लगा दिया करें जो दोनों में आ रहा हो, तीनों में आ रहा हो। तो ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये प्लस का आया। -81 - 3 तो -84 हो गया। बच्चों, अपोजिट साइन के साथ हो, अभी कहा था माइनस कर लिया करो, बड़े नंबर का साइन लगा दो। 198 में से 84 निकालो, 114 आता है, ये आंसर। क्लियर है? इसमें कोई मसला, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, खुदा न खास्ता। हाँ भाई, कोई बच्चा परेशानी का शिकार है? ठीक है जी। अच्छा, अब एक मेरी तरफ से ऑफर है, छुट्टी की ऑफर है। इस सवाल पे मैं छुट्टी की ऑफर दे रहा हूँ। जो सवाल, जो बच्चा इसका सही आंसर देगा, तो इस सही आंसर पे छुट्टी है। तो लिहाजा बच्चों, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन आप लोग मुझे अभी करके आंसर बताएंगे। किताब के बैक साइड से नहीं, चिटिंग नहीं होना चाहिए, गलत, ये आप गलत करेंगे। चलें, पार्ट नंबर 3 देखिएगा। हाँ भाई, कोई बच्चा इसका जवाब सही दे और छुट्टी पाए, छुट्टी का सवाल है जी। इसका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से सब लोग करें, ईमानदारी से कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी, चिटिंग नहीं करनी है, ख्याल कीजिएगा। यानी बुक के बैक साइड से देख के ना बताएं, अपने साथ गलती का गलत करेंगे आप। तो ये थर्ड पार्ट है, 4a² - 3ab + bc, एक एक्सप्रेशन थी, इसमें a की वैल्यू 0 रखनी है, b की जगह 4 रखना है और c की जगह 1। राहिम ने सबसे पहले सॉल्व किया है, बता रहे हैं 4 आंसर आया, आयशा खान ने भी सॉल्व कर दिया है, 4 आंसर आ रहा है। और वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश। सब ने, 3-4-5 बच्चों ने मैसेज किया है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश। हाँ हाँ, नियाल तमाश, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, सब लोगों ने माशाल्लाह। अच्छा, जुनेरा, रीदा, राहीम, बॉयज के नाम बहुत कम आ रहे हैं, क्या बात है, और बॉयज आंसर क्यों नहीं दे रहे? अफनान बेटा, क्या आंसर आ रहा है? रियास, मोहम्मद रियास बेटा, क्या आंसर आ रहा है इसका? असरा मुख्तार का भी आंसर आ गया, मोहम्मद रियास जवाब दीजिए मुझे। तेजीन जेरा का भी जवाब आ गया, वेरी गुड भाई। महाद नफीस ने भी आंसर निकाल लिया है। मोहम्मद रियास, 12 नहीं आएगा आंसर, 12 क्यों आ रहा है? देखो, एक ही जगह 0 रखोगे तो पहली और दूसरी टर्म ये 0 हो जाएंगी। इधर सुन लें, ये यहाँ एक ही जगह 0 रख दिया जाए तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ बी और सी बच रहा है ना। बी और सी, बी की वैल्यू कितनी है 4, और सी की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 × 4। मोहम्मद रियाज, आंसर पता चल गया, 4 आएगा बेटा, चेक करो जरा,
एक ही जगह जीरो रखेंगे तो जीरो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करे तो टर्म वैनिश हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं। जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करे, चाहे वो छोटे से छोटा नंबर हो या बड़े से बड़ा नंबर, वो जीरो हो जाता है। ठीक है, चलें भाई, मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। जी इंशाल्लाह, अब बड़ी छुट्टी की ख्वाहिशें हैं, चलो अभी होने दो क्लासेस शुरू, तो फिर सरप्राइज टेस्ट लिया करूंगा छुट्टी के एंड में आकर, जो सही सवाल करके दिखाएगा उसको छुट्टी मिलेगी, सबकी छुट्टी कैंसिल भी उस चक्कर में। ठीक है, चलो बच्चों अपना बहुत ख्याल रखना, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल आगे के क्वेश्चंस पे मिलेंगे। अब जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।